हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे और जो चैप्टर नंबर 12 था आपका इलेक्ट्रिसिटी वो ओवर हो चुका है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इन सबका ओरिजिन क्या था। हुआ यह था कि मतलब आपके जो साइंटिस्ट थे वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में मतलब जब सब कुछ इंडिविजुअली जान चुके थे, मतलब पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेटली पढ़ा जाता था। पहले साइंटिस्ट को लगता कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है तो पहले उनको सेपरेटली पढ़ा गया, लेकिन बाद में जब वो पूरा डिटेल में पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, तब उनको लगा कि इनका आपस में हो सकता है कोई ना कोई कनेक्शन हो। तो हुआ ऐसे कि एक दिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेस्टेड, वो अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। उनकी जो टेबल थी वहाँ पे एक सर्किट बना हुआ था, एक रैंडम इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ था, और आप जानते ही हो कि साइंटिस्ट की जो बेंचेस होती है, टेबल्स होती है, वहाँ पे काफ़ी सामान रखे होते हैं इधर उधर, मतलब बिखरे हुए सामान काफ़ी रखे होते हैं क्योंकि उनको कहीं कभी भी कुछ भी चाहिए होता है, तो इसलिए वो मतलब काफ़ी सामान बिखरे होते हैं। उस दिन ये हुआ कि रैंडमली वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिक सेटअप उनका था, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बना हुआ था, वहाँ पे एक कंपास रखा हुआ था। एक रैंडमली जो इलेक्ट्रिक सर्किट उनका बना हुआ था वहाँ पे रैंडमली क्या रखा था, एक कंपास रखा था पास में, कंडक्टर के पास में, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने, उनको आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन करा, अपने सर्किट का, तो करंट फ्लो होने लगा। तो एकदम ये हुआ कि उनकी नज़र गई कि कहीं ना कहीं कुछ मोशन हुआ। फिर से जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन करा, करंट फ्लो हुआ सर्किट में, उन्होंने एकदम उन्हें लगा कि यार आसपास में किसी चीज़ में मोशन हुआ। तो उनका ध्यान गया इस कंपास पे। उन्होंने क्या देखा कि अरे शायद हो सकता है कि इस कंपास नीडल में शायद कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, उन्हें ऐसा फील हुआ। तो उन्होंने ऐसा करा कि सर्किट का स्विच ऑफ कर दिया। जैसे उन्होंने ऑफ करा तो उन्होंने देखा फिर इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्होंने लगा कि मतलब हो सकता है मेरे स्विच ऑन या ऑफ करने से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा। तो उन्होंने ऐसा करा कि वापस स्विच ऑन करा, उन्होंने स्विच ऑन करा तो देखा फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है और डिफ्लेक्शन कंटिन्यू है और इसमें जो नीडल है उसमें। और जैसे उन्होंने स्विच ऑफ करा वापस डिफ्लेक्शन नॉर्मल हो गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब उन्होंने क्या देखा कि स्विच ऑन करने पे डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास के नीडल में और स्विच ऑफ होने में कंपास के नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो वो ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के जिन्होंने, जिनको ये लगा कि इसका मतलब कंपास नीडल है और कंपास नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, अब कंपास नीडल आपकी जो डिफ्लेक्ट होती है वो होती है ओनली मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब आसपास मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कुछ होना चाहिए तभी आपकी कंपास की नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। और आपने सर्किट के अंदर स्विच ऑन करा तो उसमें फ्लो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो वो ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के जिनको लगा कि करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। फिर उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने ये बताया कि इन दोनों का आपस में क्या होता है, कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो जब उन्हें ये लगा कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर्किट में, ये पता नहीं कुछ, तो उन्होंने ऐसा करा कि बैटरी के साइन अपोजिट कर दिए, मतलब ये जो अभी प्लस इधर है माइनस इधर है इसको अपोजिट लगा दिया कि इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वापस स्विच ऑन करा तो डिफ्लेक्शन तो हो रहा था, तो पहले जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसके अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा था, और वापस जब ऑफ करा तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो उन्हें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई कि मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास के नीडल में, ये हो मेरे सर्किट की वजह से ही रहा है, और सर्किट में ओनली एक चीज़ हो रही है स्विच ऑन या ऑफ करने से, वो है जब भी स्विच ऑन करते हैं तो क्या आ जाता है सर्किट में, करंट, और जिससे स्विच ऑफ करते हैं करंट बंद हो जाता है। इसका मतलब, और आपकी कंपास नीडल ओनली कब मोशन करती है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस था। तो वो इन्फ्लुएंस कैसे है, और ये जो नीडल है अगर ये डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब इसको डिफ्लेक्ट किसने करा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ने, और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं मैग्नेट, यहाँ पे आसपास मैग्नेट तो रखी भी नहीं है। इसका मतलब हो सकता है, उन्होंने फर्स्ट ऐसे पर्सन थे इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि आपका जो करंट है वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उन्होंने सोचा कि जो करंट है वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो कंपास की आपकी नीडल है ये क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। तो बाद में इसको प्रूव भी करा उन्होंने।
तो अब हमें ये पूरा पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेट्स क्या होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कि मैग्नेट क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद में जब पता लग गया कि मतलब आपका जो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है कंडक्टर के अंदर, तो उसके बाद में जब डिफरेंट साइंटिस्ट आए और काफी इन्वेंशन हुई, तो आपकी दो मेन इन्वेंशन हुई थी जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपकी इन्वेंशन है इलेक्ट्रिक मोटर, वही आपका प्रिंसिपल है फैन का, इलेक्ट्रिक फैन का जो घर पे होता है, तो सबसे मेन इलेक्ट्रिक मोटर। और उसके साथ ही आपका पता लगा था जो अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। वो जो आप फंक्शंस वगैरह में देखते हो, मैरिजेस वगैरह में, वही इलेक्ट्रिक जो जनरेटर लगा होता है बाहर। सबसे मेन दो इन्वेंशंस पता चली थी अपन को किससे, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मैग्नेट। जैसा कि हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि मैग्नेट, अपन देखी भी है, हमें पता है कि मैग्नेट क्या होती है, जो कि अट्रैक्ट करती है। जनरली हमने उसे अलमीरा हुआ या कोई भी की वगैरह हुआ, हम उसके जब उसके पास में मैग्नेट लेके जाते हैं, तो वो उसे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो हमें क्या समझ में आता है, जितना हम चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं, कि मैग्नेट क्या होता है, जो अट्रैक्ट करता है। अब बात ये आती है कि मैग्नेट प्लास्टिक के ऊपर लगाते हैं तो प्लास्टिक से तो अट्रैक्ट नहीं होता, इसका मतलब मैग्नेट अट्रैक्ट होता किस किस से है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि मैग्नेट क्या होता है, वो वाली बॉडी जो कि क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किसको, पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट। तो यहां से आपकी मैग्नेट की डेफिनेशन निकल जाती है कि मैग्नेट क्या होती है, एक बॉडी जो कि क्या करती है, अट्रैक्ट किस किस को, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है जनरली कि मैग्नेट क्या होती है, बॉडी विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। इसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किसको, आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है कि टू एंड्स ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड सिलिंड्रिकल मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन नोन एज नॉर्थ एंड साउथ पोल। हमें पता है कि अगर किसी भी क्या करें हम, जो आपकी मैग्नेट होती है, मैग्नेट को अगर क्या करेगी फ्रीली, यहाँ पे एक थ्रेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैग्नेट है, यहाँ पे अगर मैं थ्रेड लेके और अगर इसको क्या कर देता हूँ, फ्रीली छोड़ देता हूँ, तो ये क्या करती है, अपने आपको क्या कर देती है, अलाइन कर देती है। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इससे क्या पता चलता है कि मैग्नेट के क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नेक्स्ट, अनलाइक पोल्स और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सेम पोल्स ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। वही अपन जो छोटे थे तब करते थे कि जो आपके दो तीन मैग्नेट ले ली और अपन देखते थे कि जो उसके सेम पोल्स होते हैं वो आपस में, जब हम एक दूसरे को उसके पास ले जाते हैं तो वो दूर दूर जाती है मैग्नेट, और जब अपोजिट पोल्स को लाते हैं तो आपस में स्टिक हो जाती है। तो हम कर चुके हैं सब चाइल्डहुड में। तो उससे क्या पता चलता है कि आपके जो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स होते हैं, जैसे आपकी ये मैग्नेट है ये नॉर्थ ये साउथ, और दूसरे मैग्नेट है ये साउथ ये नॉर्थ, तो ये साउथ साउथ पोल क्या हो गए, पास में आ गए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। और ये अगर दूसरी मैग्नेट है, जैसे ये नॉर्थ साउथ ये नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ पास में आ गए, तो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो वही कि आपके जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अभी हमें क्या पता चला कि मैग्नेट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैग्नेट क्या होती है, वो बॉडी जो कि अट्रैक्ट करती है आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को। अब बात आती है कि मैग्नेट के टाइप कितने होते हैं, क्योंकि मैग्नेट तो बहुत टाइप की हो सकती है और होती है कैसे। फर्स्ट, टेम्परेरी मैग्नेट कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्परेरी परमानेंट तो नाम से पता चल रहा है, देखो सिंपल सा कि टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए मैग्नेट होती है, कब होती है वो अभी अपन बात करेंगे। वो परमानेंट मतलब वो जो हमेशा कैसा, वो वाली बॉडी जो हमेशा कैसा बिहेवियर करती है, मैग्नेट का बिहेवियर करती है हमेशा, मतलब वो क्या हो गया परमानेंट। और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको अपन करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट्स बिहेव एज ए मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपकी जो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या होती है, बॉडी विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, निकल। तो मैग्नेट जो होती है वो अपने आसपास में क्या एक फील्ड बनाती है, मैग्नेट जो होती है वो अपने आसपास में एक फील्ड बनाती है। उस फील्ड में अगर कोई भी अदर मैग्नेट या कुछ आयरन कोबाल्ट का अगर कोई पीस आता है, तो वो उसको क्या कर लेती है, अट्रैक्ट, और
वो जो फील्ड होता है उस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अपन पढ़ेंगे इसको आगे, पर यहाँ पे डेफिनेशन में इसलिए मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के आसपास वो वाला फील्ड जहाँ पे मैग्नेट का इन्फ्लुएंस अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी मैग्नेट क्या होती है? टेम्पररी मैग्नेट बिहेव एज मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब टेम्पररी मैग्नेट अपन किसको बोलेंगे? उनको बोलेंगे, उन सारे मटेरियल्स को बोलेंगे जो कि कैसे बिहेव करते हैं? मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं। फिर से, मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहे हैं, खुद मैग्नेट नहीं है। टेम्पररी मैग्नेट बिहेव एज ए मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म एज मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। जैसे ही उनको मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से मैंने बाहर निकाला, उनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब अपन कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? कि जैसे अगर एक मैग्नेट है, ये सरफेस है, सरफेस पे कुछ आयरन के टुकड़े वगैरह पड़े हुए हैं, तो अगर मैग्नेट को मैं पास में लाता हूँ उसके, तो क्या होता है? कुछ आयरन के टुकड़े उससे क्या होता है? चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो अब मेन चीज क्या है कि ये जो मैग्नेट का एंड है, इससे ही कुछ आयरन, ढंग से देखना, ये जो मैग्नेट का एंड है इससे कुछ आयरन के टुकड़े स्टिक हुए हैं, चिपके हुए हैं। और ये जो आयरन के टुकड़े चिपके हुए हैं, इन्हीं के पीछे कुछ आयरन के टुकड़े इन्हीं से चिपके हुए हैं। तो अपन क्या समझ सकते हैं? जबकि मैग्नेट यहाँ है, मैग्नेट का पोल यहाँ है, लेकिन उन आयरन के टुकड़ों से ही दूसरे टुकड़े चिपके हुए हैं। अपन देख चुके हैं चीज, अपन करते हैं चीज जब छोटे थे, करी हुई है, कि ये जो नॉर्थ पोल है इससे कुछ आयरन के टुकड़े चिपके हुए हैं, और उस उन्हीं आयरन के टुकड़ों से दूसरे टुकड़े चिपके हुए हैं। इसका मतलब ये जो आयरन के पीसेस है जो आपके पोल से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो खुद भी कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं। कब? उस मोमेंट पे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से ये इनको अलग करके नीचे डाल दिया मैंने, और अगर मैं मैग्नेट यहाँ से हटा देता हूँ, तो वो जो आयरन के टुकड़े जिनसे दूसरे टुकड़े स्टिक है, वो खुद एज ए मैग्नेट बिहेव करेंगे क्या बाद में, जब ये मैग्नेट चली जाएगी? नहीं। इसका मतलब टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है? वो मैग्नेट जो कि टेम्परेरी मैग्नेट क्या होते हैं? वो वाले मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करते हैं एज ए मैग्नेट, अदरवाइज वो मैग्नेट नहीं होते। फिर से बिल्कुल सिंपल, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है? वो वाले मटेरियल्स जो कि खुद मैग्नेट नहीं होते, लेकिन अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो वो खुद कैसे बिहेव करते हैं? एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं। कब तक मैग्नेट बिहेव करते हैं? जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है। इसके एग्जांपल क्या होता है? आयरन। आयरन खुद मैग्नेट नहीं है, चाहो तो आयरन से कोई चीज चिपका के देखो, मेटल की नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर तुमने आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो कैसे बिहेव करता है? एज ए मैग्नेट। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है? टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है? वो वाले मटेरियल जो कि कैसे बिहेव करते हैं? मैग्नेटिक जैसे बिहेव करते हैं। कब? जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है आयरन, आयरन के अलॉयज और नेल्स वगैरह। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं? दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म। वो वाले मटेरियल जो आपके हमेशा कैसे बिहेव करते हैं? एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट कैसी होती है? आज तक आपने जितनी भी मैग्नेट्स लाइफ में देखी है, वो सारे क्या है? परमानेंट मैग्नेट। अपन जो बार मैग्नेट या मैग्नेट के टुकड़े हैं, जो भी अपन देखते हैं, आज तक आपने जितनी भी मैग्नेट देखी है, वो सारे के सारे क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एलनीको। एलनीको क्या होता है? अलॉय होता है। किसका? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का। तो ये आपने खुद ने बनाई, मतलब ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल। ये नेचर से तो बना नहीं, आपने इसको बनाया, अलॉय है, सीधी सी बात है। तो ये क्या है? एलनीको क्या है? परमानेंट मैग्नेट है, आपने बना दी, लेकिन बनाई तो आपने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल क्या होती है? जो मैग्नेट अपन बनाते हैं, ह्यूमन बींग बनाता है। तो जनरली आपने जो भी मैग्नेट्स देखी है, जनरली सारे के सारे क्या होती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है? वो वाली मैग्नेट जो कि कभी उनका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता, मतलब वो हमेशा बिहेव करती है एज ए मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? क्रिएटेड बाय रनिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ए कॉइल। जैसे ये आपकी कॉइल है, ये आपकी कॉइल है, ठीक है। अगर मैं इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए मैग्नेट। अगर मैं आपके कॉइल जो होती है उससे अगर मैं करंट पास करता हूँ, तो वो जो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। और अपन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें एक आयरन की रोड भी बाद में इंसर्ट कर देते हैं। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, अपना सेपरेट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बिल्कुल ब्रीफ, कि आपकी जो कॉइल होती है, कॉइल से जब इलेक्ट्रिक बैटरी या सोर्स से कनेक्शन करके अपन जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। तो अपन ये क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर अपन को जब भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका यूज में ले सकते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ भी अपन चेंज कर सकते हैं करंट की वजह से, अपन आगे पढ़ेंगे कैसे। तो
तीन टाइप की मैग्नेट होती है अपनी। फर्स्ट क्या होती है? टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है? जो कि खुद मैग्नेट नहीं होती है लेकिन एज ए मैग्नेट बिहेव करती है जब उसको मैग्नेट के आसपास या मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में उसको रखा जाता है। एग्जाम्पल आयरन, उसके टुकड़े। नेक्स्ट परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है? वो जो कि हमेशा बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। एग्जाम्पल एनी को आपको ध्यान में रखना है। और ज्यादातर परमानेंट मैग्नेट क्या होती है? आर्टिफिशियल होती है, ह्यूमन की बनाई हुई। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है जो कि अपन करंट से बनाते हैं। जब किसी कॉइल जो होती है, ये आपको वायर को जब ऐसे कर देते हैं तो उसको कॉइल बोलते हैं। तो उससे जब करंट पास करते हैं तो आपका, और उसमें जब आयरन की रोड इंसर्ट कर देते हैं तो वो बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, अपन आग बाद में पढ़ेंगे क्यों। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ अभी। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है आपकी? की जो कि ह्यूमन बींग बनाता है, ह्यूमन बींग जो बनाते हैं मैग्नेट, वो क्या होती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से कितने टाइप की होती है, जनरली बनाते कैसे हैं। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन बार और स्टील बार इज रब अगेंस्ट ए नेचुरल मैग्नेट, देन आयरन बार और स्टील बार डेवलप्स ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। आपकी जो नेचुरल मैग्नेट होती है, नेचुरल मैग्नेट मतलब जो कि नेचर से मिलती है डायरेक्टली, जैसे आपकी जो लोड स्टोन होता है वो बिहेव करता है एज ए नेचुरल मैग्नेट। वो खुद एक क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट। तो जब आपकी नेचुरल मैग्नेट से आप आयरन के पीस को या स्टील के पीस को आप क्या कर देते हो? रब वगैरह कर देते हो, तो वो खुद कैसे बिहेव करते हैं? एज ए मैग्नेट करते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस से आपकी क्या बनाई जाती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसके कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसी होती है? इस टाइप की आपकी बार मैग्नेट दिखती है, ये भी ऐसे बोल सकते हैं कि इस टाइप की जो है आपकी बार मैग्नेट दिखती है साइड से और थ्री डायमेंशन के अंदर इस टाइप से। तो कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की होती है, एक तो सिलेंड्रिकल शेप होता है और एक रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या होती है? ये जो आपकी होती है इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। दो शेप हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगल इसके शेप होते हैं। बार मैग्नेट कैसी होती है? परमानेंट मैग्नेट होती है। इसका मतलब परमानेंट, वो जो अपन ब्लैक टाइप की जो अपन ने देखी है, आज जो भी ब्लैक वाली मैग्नेट देखी है, वो सारी क्या होती है? बार मैग्नेट। किसी भी शेप की हो सकती है नॉर्मल से, वो परमानेंट मैग्नेट होती है। मतलब उसमें हमेशा क्या होता है? मैग्नेटिज्म। इसलिए अपन उसको जब भी किसी आयरन वगैरह के पास में लाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं। तो ये होता है आपका बार मैग्नेट। नेक्स्ट मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेरी मैग्नेट होती है, मतलब वो खुद एज ए मैग्नेट का बिहेव करेगी जब उसको अपन कहाँ लाएंगे? मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में लाएंगे। फिर से मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? टेम्परेरी मैग्नेट होती है। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक नीडल एज ए मैग्नेट तब बिहेव करेगी जब अपन उसको जनरली कहाँ लेके आएंगे? मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे। होती क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ इलोंगेटेड रोम्बस। जो आपका रोम्बस का शेप होता है उसको जब अपन खींच देते हैं, इलोंगेटेड कर देते हैं, ये मैंने दोनों साइड से उसको इलोंगेटेड कर दिया तो ये शेप आ गया। तो इलोंगेटेड रोम्बस विज सस्पेंडेड और पिवोटेड टू रोटेट फ्रीली। जिसको मैंने, ये जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, मैंने इसको क्या करा? सस्पेंड कर दिया है, पिवोट मतलब हिंच कर दिया। तो ये इसके अबाउट क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, मतलब ये ऐसे कर सकती है, रोटेट हो सकता है, इसका मोशन हो सकता है। मतलब ये जो आपकी है नीडल, ये ऐसे ऐसे मोशन कर सकती है पूरा। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? टेम्परेरी मैग्नेट होती है। और वो जो रोम्बस होता है उसको इलोंगेटेड कर दो तो ये रोटेट फ्रीली हो सके। तो ये होती है आपकी क्या? मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल का क्या यूज होता है? इसको अपन यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक कंपास। ये सारे क्या? आर्टिफिशियल। मतलब इन सबको कौन बना? कौन रहा है? ह्यूमन बींग ही बनाता है इनको। बार मैग्नेट हुआ, मैग्नेटिक नीडल हुआ, मैग्नेटिक कंपास। क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए फ्रीली पिवोटेड मैग्नेटिक नीडल एट द सेंटर ऑफ ए स्मॉल बॉक्स विद ग्लास टॉप। आपके जनरली आपने जो कंपास देखे हैं फिजिकल फॉर्म में, जो कंपास होते हैं उनको, उनके अंदर आपकी ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसको क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है, पिवोट कर दिया जाता है। ये अंदर क्या कर सकती है? मोशन कर सकती है। तो कंपास आपको भी पता है कि कंपास कहाँ यूज में लेते हैं? आपको पता है शिप्स वगैरह के अंदर, नेविगेशन के अंदर यूज में लेते हैं। नेविगेशन के लिए मतलब डायरेक्शन पता लगाने के लिए, कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी डायरेक्शन साउथ है। तो शिप्स वगैरह के अंदर नेविगेशन में, ये कहीं पे भी नेविगेशन में जनरली काम में लेते हैं। किसको? कंपास को। ये वही कंपास है। ठीक है, कंपास के अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल लगी हुई होती है जो कि क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर देती है? अरेंज कर लेती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नीडल इज एबल टू लाइन अप एज सेम डायरेक्शन एज द फील्ड। मतलब अगर आप कंपास को कहीं पे भी क्या रखते हो? किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो आपका
ये जो नीडल है ये अपने आप को क्या कर लेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, उस डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेती है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होती है, जो ह्यूमन बींग बनाता है, कैसे बनाई जाती है, नेचुरल मैग्नेट से रब करके बनाई जाती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। कितने टाइप की होती है, बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट कितने टाइप की होती है, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकती है, जो ब्लैकिश टाइप की अपने देखी है। नेक्स्ट मैग्नेट का नीडल ये क्या होता है, रोम्बस जो होता है उसको आपने क्या कर दिया, एलोंगेटेड कर दिया, और उसको पाइवोट कर देते हैं, मतलब हिंज, हिंज मतलब मोशन कर सकते हैं, वो पॉइंट के अबाउट मोशन को बोलते हैं पाइवोट कर दिया, हिंज कर दिया, ताकि वो मोशन कर सके। उसको क्या, मैग्नेट नीडल का क्या काम होता है, उसको कंपास में फिट कर देते हैं। कंपास किसके लिए काम आता है, नेविगेशन के काम आता है, शिप्स में या कहीं पे भी, डेजर्ट वगैरह में कहीं पे भी ले सकते हैं। क्या करते हैं, कंपास का यूज होता है कि जब भी इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसकी जो नीडल होती है, मैग्नेटिक ये जो नीडल होती है, ये क्या करती है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर देती है, अलाइन कर देती है। नेक्स्ट आपके को नॉर्थ पॉइंट से, ऑल मैग्नेट्स हैव टू अपोजिट पोल कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अपन ने अभी बात करी कि सारे मैग्नेट जो होती है सबके कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इफ ए मैग्नेट इज कट इन हाफ, ईच हाफ विल हैव इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव जस्ट ए नॉर्थ और साउथ पोल बाय इटसेल्फ। इसका मतलब अगर कोई आपकी मैग्नेट है, अगर मैं उसको कट कर दूँ, तो अब जैसे ये मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल एक क्या है, साउथ पोल है, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो उससे ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल उधर चला जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसको कट कर देते हैं तो क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है वो तो नॉर्थ पोल ही रहेगा, लेकिन जो कट हुआ दूसरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और जो दूसरा पार्ट बचा उसका इनिशियल पार्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ पोल। इसका मतलब अगर आप एक मैग्नेट को कट कर देते हो, तो जितने भी पीसेस में आप उसको कट करोगे, हर पीस के नॉर्थ पोल होंगे और हर पीस के साउथ पोल होंगे। मतलब आपको मैग्नेट के अंदर ओनली नॉर्थ पोल या फिर ओनली साउथ पोल नहीं मिल सकता। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अपने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी थी, अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, दो, एक कौन सा होता है पॉजिटिव चार्ज, एक कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज, जिसे आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर और मैग्नेटिक पोल्स में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है जो भी अपन ने ऊपर बात करी कि आपके इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिविजुअल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, हो सकता है आपका ओनली सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर हो सकता है ओनली सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज आपको सिंगल मिल जाते हैं, लेकिन आपका जो मैग्नेटिक पोल्स है वो आपको सेपरेट, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज आपको दोनों डिफरेंट मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें, मैग्नेटिक पोल्स में और इलेक्ट्रिक चार्ज में। नेक्स्ट, अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको आइडिया दिया था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरी मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हुआ है, साउथ पोल हुआ, अगर मैं दूसरे मैग्नेट लेके आता हूँ और यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे उसका साउथ पोल है, तो जैसे ये फर्स्ट मैग्नेट का ये कौन सा पोल है, साउथ, और ये जो सेकंड मैग्नेट का ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, तो ये दोनों कौन से हो गए, अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे एक मैग्नेट ये रखी हुई दूसरे को यहाँ लाके अगर मैं छोड़ता हूँ, तो ये मैग्नेट किसके पास आने लग जाती है, पहली मैग्नेट के पास में आने लग जाती है। इसका मतलब फर्स्ट मैग्नेट ने सेकंड मैग्नेट के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, किसका, अट्रैक्शन का फोर्स लगाया। लेकिन अगर मैं इनके पोल चेंज कर देता हूँ, इस मैग्नेट को उल्टी रख दी मैंने, यहाँ साउथ पोल रख दिया और इधर क्या रख दिया, नॉर्थ पोल, अब मैं क्या देखता हूँ कि साउथ पोल आपस में क्या हो गए, सामने आ गए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इसका मतलब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, रिपल्शन का फोर्स लगाएगी। इसका मतलब मैग्नेट जो होती है वो अपने आसपास में एक क्या करती है, एक फील्ड बनाती है, और उस फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कौन कौन सा मैग्नेटिक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का और रिपल्शन का। फिर से मैग्नेट अपने आसपास कोई भी अगर अदर सब्सटेंस आता है तो उसके ऊपर क्या करती है, अट्रैक्शन का और रिपल्शन का फोर्स लगाती है। ओनली वो वाले जिनको वो अट्रैक्ट रिपेल कर सकती है, ऐसा नहीं कि आप मैग्नेट के पास में वुड ग्रिल लेके आ जाओगे तो वुड को नहीं करेगी वो। मैं ओनली उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर उसका फोर्स अप्लाई होता है। तो मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है, मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करती है, उस फील्ड में अगर कोई भी आता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर सेम नेचर का हुआ तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, और अगर अपोजिट नेचर हुआ तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा।
तो वो जो रीजन होता है जहां तक वो फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे आपकी एक मैग्नेट यहाँ है, अगर एक मैग्नेट यहाँ है तो हो सकता है दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा हो, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा हो, लेकिन अगर एक मैग्नेट यहाँ है और एक मैग्नेट अगर यहाँ है तो हो सकता है कि इतना दूर जाने के बाद में ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ना लगा पाए। इसका मतलब इस फर्स्ट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है क्या? नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि फर्स्ट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस मैग्नेट के आसपास का, जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास का वो वाला स्पेस जहां पे इस मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस करा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल। तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी जनरली कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का वो वाला स्पेस वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जहां पे मैग्नेट का अट्रैक्शन का और रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंस में फिर बोल रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अब अभी अपन ने बोला कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक मैग्नेट के आसपास का रीजन जहाँ पे फोर्स लगता है। लेकिन अब बात ये है कि वो जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है और मतलब वो कैसे एक्ट कर रहा है। मतलब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ये कोई मैग्नेट है और यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस आ जाता है, तो अब इस सब्सटेंस के ऊपर ये मैग्नेट कैसे फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में लगाएगी और कैसे इसके ऊपर एक्ट होगा और इससे इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। मतलब तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि मैग्नेट अब कुछ विजिबल फॉर्म में होना चाहिए। अब अपन को पता है विजिबल कुछ होता तो नहीं है, जैसे अगर ये मैग्नेट है और इसके पास में कोई आयरन का टुकड़ा लाता हूँ तो इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, तो विजिबल डायरेक्ट कुछ होता नहीं है कि भाई इसके आसपास फील्ड है। लेकिन अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चाहते हैं कि उस मैग्नेट जो जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है अपन उसको देखें, मतलब कुछ इमेजिनरी कुछ हो जिससे अपन उसको देख सके अपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो इसलिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया कि द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप ड्रॉ करते हो। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ड्रॉ करके। क्या ड्रॉ करके? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मतलब आप क्या ड्रॉ करते हो? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हो। अब बात ये है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करते हो? आप खुद से रैंडम कुछ भी तो ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई ड्रॉइंग थोड़ी है कुछ भी बना के छोड़ दिया। तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, और ऑब्वियसली बात है कि यार ये मैग्नेट है कोई भी और अपने आसपास कुछ फील्ड बना रही है, तो कोई ना कोई उसके पास फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, लाइन ऑफ फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ से अपना नेक्स्ट स्टार्ट होता है टॉपिक छोटा सा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट, जहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, यहीं से बेसिक्स निकलते हैं अपने सारे मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट कैसी होती है? जैसे ये बार मैग्नेट है तो ये जो मैंने पेन से बनाई है इसके आसपास ये राउंड हो रही है, निकलती भी आती भी, तो ये क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है। पर बात ये है कि ये आई कैसे, अब ये आई कैसे, इसके लिए अपन कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट अपन एक्टिविटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.2। आपको बुक से भी पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक से पढ़नी है ये एक्टिविटी। समझा मैं यहाँ पे रहा हूँ आपको। एक्टिविटी क्या है, जैसे आपने क्या करा, एक शीट ली, व्हाइट पेपर लिया, उसके ऊपर आपने एक बार मैग्नेट रख दी। ठीक है, बार मैग्नेट आपने रख दी और उसके ऊपर आयरन की फिलिंग्स डाल दी, मतलब आयरन का जो बुरादा होता है ना, आयरन के टुकड़े। तो जैसे मान लो कि आपका ये आपकी एक प्लेन शीट है, उसके ऊपर मैंने ये बार मैग्नेट रख दी। ठीक है, ये प्लेन शीट है, ये मैंने बार मैग्नेट इस पर रख दी। अब आपने क्या करा, आयरन की जो फिलिंग्स ली, आयरन की फिलिंग्स लेके आपने सब जगह रैंडमली इसके बार मैग्नेट के आसपास, इसके ऊपर नहीं, इसके आसपास आपने आयरन की फिलिंग्स ऐसे डाल दी, रैंडम डाल दी, कुछ भी, मतलब कोई अरेंजमेंट में नहीं, रैंडम आपने डाल दी। अब आप आधा घंटा उसको छोड़ दो अरेंज होने के लिए, और जब आप आधे घंटे बाद आके उसको देखते हो, किसको, उस अरेंजमेंट को, उस शीट को देखते हो, तो आप क्या देखते हो कि आपकी जो आयरन की फिलिंग्स है, आयरन का जो बुरादा है, टुकड़े हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक पैटर्न में सेट कर लेते हैं। वो अपने आप को एक पैटर्न में सेट कर लेते हैं अपने आप को। कैसे, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि ज्यादातर जो आपके टुकड़े आयरन की फिलिंग्स है वो कहाँ जाते हैं, पोल्स के, इसके जो ये आपके पोल्स हैं, आपकी मैग्नेट के जो पोल्स हैं उसके पास में, ये देखो ज्यादातर टुकड़े आपके कहाँ आ गए, पोल्स पे आ गए। एक्चुअल डायग्राम आपको बुक में ही देखना है एनसीईआरटी में, तो ये ज्यादातर टुकड़े कहाँ आ गए, पोल्स पे आ गए। और यहाँ देखो इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है, देखो ये एक पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं, ये देखो सर्कुलर पैटर्न, ये आपस में अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न बना, तो ये जो पैटर्न बना इससे मेरे को क्या पता चला कि मतलब अपना ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है टुकड़ों के ऊपर, वो इस टाइप से डायरेक्शन में लग रहा है कि उसने इनको क्या कर दिया, इस टाइप से अरेंज कर दिया।
अब अगर मैं इन्हीं ये जो फीलिंग्स हैं इस टाइप से अपने आप में अरेंज है, अगर मैं इनके ऊपर ड्रॉ करता हूँ पेंसिल से, इनके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, मतलब अगर मैं पेपर के ऊपर इनकी जो डायरेक्शन है अगर उसे ड्रॉ करता हूँ, तब वो वाला डायग्राम बनता है जो मैंने पीछे अभी बताया था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जिस टाइप से अरेंज हो रखी है इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है कि द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन पैटर्न। जैसे मैंने उनको छोड़ा, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, पैटर्न में अरेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगे, ऑब्वियसली बात है, आयरन के टुकड़े थे, मैग्नेट के पास में रखा, आयरन है, मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो आयरन के टुकड़ों के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो उनके ऊपर जो फोर्स लगा, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। तो उन्होंने एक पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लिया। ईच टीनी पीस ऑफ आयरन बिकम मैग्नेट। अब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आयरन क्या होता है, आपका टेम्परेरी मैग्नेट होता है, मतलब उसको जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेट। अब मैंने आयरन के जो टुकड़े थे, आयरन की जो फीलिंग्स थी, मैंने उनको कहाँ रख दिया, मैग्नेट के पास में रख दिया, मैग्नेट के पास में रख दिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास में रख दिया। तो वो जो आयरन के जितने भी टुकड़े हैं, जितने भी आयरन के टुकड़े हैं, सब कैसे बिहेव करेंगे, एज ए मैग्नेट बिहेव करेंगे। तो एक तो ये मेन आपकी परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और आपके आयरन के टुकड़े कैसे बिहेव कर रहे हैं, छोटे छोटे मैग्नेट जैसे, तो उन सब के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को उस तरह से अरेंज करा। ठीक है, तो इस टेनी पीस ऑफ आयरन बिकम मैग्नेट एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए सर्टेन डायरेक्शन। हर टेनी पीस, अब देखो हर टुकड़े की अलग अलग जगह है, तो हर जितने भी पीसेस है आपके, सबके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो फोर्स कैसा होगा अलग अलग, अभी अपन पढ़ेंगे वो फोर्स कैसा लग रहा है। तो हर टुकड़े के ऊपर, आयरन के हर टुकड़े के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अलग अलग फोर्स होगा। इसलिए ये इन सब ने अपने आप को कैसे अरेंज करा, अलग अलग अरेंज करा। दीज कर्व पाथ अलोंग दीज द आयरन फीलिंग अरेंज देमसेल्व आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो कर्व लाइंस है, जिस टाइप से इधर कोई कर्व बन रहे हैं, यहाँ पे ये लाइंस यहाँ से निकल रही है, ये देखो यहाँ से कर्व इधर जा रहे हैं, कर्व इधर जा रहे हैं, और वापस यहाँ से लाइंस निकल रही है। तो ये जिस टाइप से ये जो कर्व बने हुए हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, नेक्स्ट ये अब हमारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं बार मैग्नेट के साथ में और कंपास के साथ में। यहाँ हमें किसकी थे साथ की थी, बार मैग्नेट और आयरन की फिलिंग्स। यहाँ हम कर रहे हैं किसके साथ, बार मैग्नेट के साथ और कंपास के साथ। हमने कंपास लिया और बार मैग्नेट ली। ये जो प्रोसेस है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये मैंने एक बार मैग्नेट ली, ठीक है, मैंने कंपास लिया, ये सब बात की, अभी आपको ओनली इसको कंसिडर करना है, ये जो मैंने बन लिखा। तो जैसे आपने क्या करा, कंपास को यहाँ रखा, अब आपको पता है कंपास में क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो जस्ट एज्यूम करोगे ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे ही हम कंपास को रखते हैं, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और वो अपने आपको एक डायरेक्शन में क्या कर लेती है, अरेंज कर लेती है। कौन, कंपास के अंदर की मैग्नेटिक नीडल। तो ये नॉर्थ पोल है, अब नॉर्थ पोल है तो इस नीडल के दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल ये जो आपकी बार मैग्नेट है, इसके पास में कौन आएगा, आपकी नीडल का साउथ पोल। मैं कंपास को अपने नॉर्थ पोल के पास में कंपास को रखता हूँ, तो कंपास की नीडल का साउथ पोल इससे अट्रैक्ट होके इसके पास में आएगा, नॉर्थ पोल के पास में। तो नीडल का साउथ पोल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये साउथ पोल है, और ये जो रेड वाला बना हुआ है वो अपर साइड में जो शो कर रहा है वो कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो ये इसकी एक, ये मेरे को एक पोजिशन है। अब मैं इसकी पोजिशन चेंज कर रहा हूँ, पोजिशन चेंज कैसे कर रहा हूँ, ये जो इसका नॉर्थ पोल का एंड है वहां पे, अब जो नई पोजिशन, इसको कंपास को मैंने यहाँ से उठा दिया। सबसे पहले क्या करा, फिर से सुन लो, ये आपकी बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल के पास में कंपास को रखा, उसकी जो दोनों नीडल की पोजीशन है, दोनों नीडल की पोजीशन पे मैंने मार्क कर दिया पेपर के ऊपर, क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब वो जो, अब कंपास को वहां से उठा लिया, अब कंपास को मैं आगे रख रहा हूँ। आगे कहाँ रख रहा हूँ, जहां पे आपकी जो नीडल का पहले नॉर्थ पोल था, जहां पे नीडल का नॉर्थ पोल था वहां पे अब मैं नई पोजीशन का साउथ पोल वहां पे रखूंगा। फिर से यहां से मैंने कंपास को उठा लिया, अब यहाँ पे कंपास नहीं है, अब मेरे को कहीं और उसको रखना है। कहाँ रखूंगा, आपके नीडल का जो पहले नॉर्थ पोल अलाइन हो रहा था, मैंने वहां मार्क कर दिया पेपर पे, उस जगह पे मैं अपनी ये जो आपके कंपास है उसका साउथ पोल अब वहां अलाइन करूंगा। मतलब जैसे मैं साउथ पोल करूंगा तो वो अपने आपको अरेंज करेगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल है, तो उसका साउथ पोल कहाँ अरेंज करूंगा, जहां पहले वाला नॉर्थ पोल था, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको अरेंज करा, वापस अपने, उसने अपने आपको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो उसकी जो नीडल की अलाइनमेंट होगी वो भी क्या होगी, चेंज। तो हर बार मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कंपास को उठा के वापस मैंने मार्क कर लिया, अलग उसने अलग से अपने आपको फिक्स करा मैंने, उसके अभी दोनों पॉइंट क्या कर लिए, पेपर पे मार्क कर लिए। अब फिर से कंपास को आपने उठाया, नई जगह पर रखा, वापस नई जगह पर कहाँ रखा,
जहाँ पे जो नई जगह का साउथ पोल था वो पहली जगह के नॉर्थ पोल के पॉइंट पे होना चाहिए। तो इस टाइप से जब मैं उसको क्या करता हूँ, कंपास को उठा उठा के नई नई पोजीशन पर रखता जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, जो कर्व बन रहा है वो क्या होती है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो कर्व बन रहा है वो मेरी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कंक्लूजन क्या निकलते हैं इसके, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब पोल्स जो होते हैं उसके पास में ऑब्वियसली आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और डायरेक्शन भी होती है। इसलिए कंपास नीडल की डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब आपके ये जो नॉर्थ द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव, ये जो नॉर्थ पोल जिधर मूव कर रहा है, इस टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका नॉर्थ पोल है, देखिए ये नॉर्थ पोल था, इससे अट्रैक्ट कौन हो रहा है, साउथ पोल। तो ये जो रेड वाला है ये कौन सा बचा, नॉर्थ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल के मोशन की डायरेक्शन है, ये देखो ये नॉर्थ पोल का मोशन है, ये जो नॉर्थ पोल है ये मोशन कर रहा है, देखो इधर मोशन करते करते इधर आ गया। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब अपन नॉर्थ पोल के मोशन की डायरेक्शन क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव टुवर्ड द साउथ पोल। अपन ने क्या देखा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, और ये मोशन ये देखो रेड किधर की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर कहाँ आती है, साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर कैसे जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। फिर से देख लो, आउटसाइड आपसे कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, तो बिल्कुल सिंपल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और कोई पूछे कि इनसाइड द मैग्नेट कैसे होती है, तो बिल्कुल इजी है। देखो बाहर अगर नॉर्थ टू साउथ है तो इनसाइड कैसे होगी, साउथ टू नॉर्थ, तभी तो पूरा क्या बनेगा, क्लोज लूप बनेगा। ये देखो लूप बन रहा है, तो बाहर कैसी है, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, और अंदर कैसी होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपकी एक्टिविटी है। ढंग से आपको इस एक्टिविटी को, एक्टिविटी 2.2 और एक्टिविटी 2.3 दोनों का आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से डिटेल में, स्पेशली ये पोजीशन वाली जो चीज है, ये इसको मोशन कैसे करवाते हैं। अब अपन बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की। अपन अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, इमेजनरी जो लाइंस होती है अपन उनको बनाते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज अभी अपन ने बात करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है स्टार्ट कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से, एंड कहाँ पे होती है, साउथ पोल पे, बार मैग्नेट की। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। सिंपल सी बात है, अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया था ये वाला, इसमें अपन देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है, ये मैग्नेटिक लाइन्स किसकी, बार मैग्नेट की। कैसे पता चली, अपन आयरन फिलिंग डाली थी और वो जो आयरन फिलिंग जो अपने आप पे शेप ले रहे थे, अपन ने उनके ऊपर करो बनाया तो ये शेप आता है। तो ये मैग्नेटिक लाइन किसकी, बार मैग्नेट की। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो लाइन्स है आपस में कहीं पे कट नहीं कर रही। क्यों कट नहीं कर रही, क्योंकि देखो हर पॉइंट पे अपनी ये जो मैग्नेटिक लाइन क्या बताती है, फोर्स की डायरेक्शन है, और फोर्स हर पॉइंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। अब कहीं पे अगर ये कट हो जाती है, कहीं पे अगर ये क्या हो जाती है, कट हो जाती है, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया जो कि गलत है, डायग्राम गलत है ये, जैसे मैंने डायग्राम बनाया कि यहाँ पे ये इस पॉइंट पे अगर ये कट हो गई, ठीक है, तो उस पॉइंट पे अब आपकी मैग्नेटिक जो लाइन होती है क्या बताती है, फोर्स की डायरेक्शन। अभी देखो दो एरो जा रहे हैं, अब अगर पी पॉइंट एज्यूम करो, पी पॉइंट पर अगर दो लाइन आपस में क्या हो गई, कट हो गई, तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, दो। अब एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्स की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये अपन को पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डो नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, बिकॉज इफ द इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करेगी देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर फोर्स की कितनी डायरेक्शन हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट द रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसका मतलब आपके जो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास में, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी दूर दूर है, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो जो आपके पोल्स होते हैं, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ज्यादा होती है, और पोल्स के दूर जाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट की, वो कहाँ होती है, मैग्नेट के पोल्स पे। एक आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए मैग्नेट। कि आपके जब बार मैग्नेट के पास में जब कंपास को लेके आते हैं तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है। तो अभी अपन ने एक एक्टिविटी करी थी
कि होता क्या है, जैसे ही उस कंपास को क्या करते हैं, बार मैग्नेट के पास में लाते हैं, तो उसकी जो नीडल है वो किसकी बनी है, टेम्परेरी मैग्नेट है, उसको अपन कहाँ लेके आ गए, मैग्नेट के पास में, मतलब आपके परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में उसको लेके आ गए। तो आपकी जो वो नीडल है कैसे बिहेव करती है, एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, और आपकी नीडल एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। तो आपकी बार मैग्नेट के भी दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और अब आपकी जो नीडल है वो भी बिहेव कर रही है एज ए मैग्नेट, तो उसके भी दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो आपकी बार मैग्नेट के पास में उसका कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, और अपोजिट कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो अब होता क्या है कि आपके एक नॉर्थ पोल आपकी बार मैग्नेट का और एक आपका साउथ पोल इसका नीडल का, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और आपका जो नॉर्थ पोल है किसका, नीडल का, और आपका नॉर्थ पोल है किसका, बार मैग्नेट का, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो उस वजह से जो फोर्स लगता है वो अलग अलग लगता है, इसलिए वो नीडल अपने आप को क्या करती है, अलाइन करती है। फिर से द कंपास नीडल इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नेट विच इज बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। एक स्मॉल मैग्नेट से बनी होती है टेम्परेरी, उसके दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। व्हेन इट इज ब्रॉड नियर द बार मैग्नेट, के जब उसके पास में अपन लेके आते हैं, द सेम पोल ऑफ द कंपास नीडल एंड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का और कंपास नीडल का जो सेम पोल है कौन सा, नॉर्थ पोल। फॉर एग्जाम्पल वैसे मैं लेके आया नॉर्थ पोल के पास में, तो जो सेम पोल है कौन सा, नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट, जो इसका नॉर्थ पोल होगा, इसका नीडल का साउथ पोल, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आपकी नीडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। थैंक यू।